सबको नमस्कार। बात शुरू करूंगा अभी इस सत्र की शुरुआत में आदरणीय अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि इस अंधेर नगरी को हमने ही बनाया है। तो अंधेर नगरी ये जो टेक्स्ट है ये कैसे एक रूपक है, जैसा अभी अविनाश जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम जहां बैठ जाएं जिस एंगल पे ये कृति हमें वहां से अच्युतानंद जी ने हाँ अच्युतानंद जी ने जो बात कही कि हम जहां बैठे जिस एंगल पे हमें ये कृति देखती हुई नजर आती है, तो ये रूपक क्यों है, ये रूपक क्यों है इस पे अगर बात की जाए तो इसमें संदर्भ है, तत्कालीन जो समय है, समाज है, उसके संदर्भ है, यानी समय के दायरे में समय से परे जाने की जो शक्ति होती है वो किसी कृति को क्लासिकल बनाती है। और मतलब क्लासिकल हो कोई कृति इसके लिए सिर्फ समय के दायरे में रहते हुए समय से परे जाना और ही पर्याप्त नहीं होता है किसी कृति के क्लासिक होने के लिए, उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो संवाद करे अपने पीछे की जो परंपरा रही है उससे और आगे जो रचनाशीलता है वो उससे किस तरीके से संवाद कर रही है, इस चीज से कोई कृति क्लासिक बनती है। तो अगर हम बात करें, अगर तत्कालीन संदर्भों की बात करें तो 1857 की क्रांति हो चुकी है, अंग्रेजों का जबरदस्त दमन हुआ है, जो छिटपुट उसके बाद थोड़े बहुत विद्रोह हो रहे थे उनका जिस तरीके से दमन किया गया उन संदर्भों को याद करिए। उसके अलावा 1978 में दो एक्ट आते हैं, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो जिस तरीके से अभिव्यक्ति पे सेंसर है, तो अभिव्यक्ति के इस सेंसर की वजह से भारतेंदु अपने समय, समाज की जो आलोचना है, व्यवस्था की जो आलोचना है, उसको प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक अंधेर नगरी और चौपट राजा ये रूपक रचते हैं इस अंधेर नगरी में। भारतेंदु को अगर हम हिंदी जाति के शुरुआती लीडर के रूप में अगर देखें, हिंदी साहित्य को की शुरुआत, आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत जैसा कि हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है, बहुत सारे और भी लेखक हैं पर अमूमन उन्हें ही अगुवा के तौर पे अब तक हिंदी आलोचना ने उनकी पहचान की है। तो वो कवि भी हैं, गद्य लेखक हैं, लेकिन उनकी जो मुख्य पहचान है वो एक नाटककार की पहचान है। तो उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, अनूदित भी किए, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी भूमिका है या योगदान है वो क्या है, वो ये है कि अपने समय में प्रचलित जो तमाम लोक नाट्य, तमाम नाट्य शैलियां हैं, जिसमें लोक नाट्य की एक शैली है, पारसी थिएटर है जो बहुत लोकप्रिय है, उससे तत्वों को ग्रहण करके भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अपनी हिंदी की अपनी जातीय नाट्य शैली को विकसित करने का प्रयास करते हैं अपनी रचनाशीलता में। जैसे इस नाटक को उन्होंने प्रहसन कहा है, तो ये जो नाटक है ये नाटक एक लोक कथा पर आधारित है, उस लोक कथा को लेकर के दृश्य जैसे माध्यम में यानी नाटक में पिरो करके उन्होंने जिस तरीके से जो लोक नाटकी के तत्व हैं, लोक नाट्य शैली के जो तत्व हैं, उनका इस्तेमाल अपने समय की और समाज की जो का जो यथार्थ है उसको एक रूपक में पिरो करके प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है, इससे ये बात समझी जा सकती है कि वो किस तरीके से विकसित कर रहे हैं जातीय नाट्य शैली। अब इस नाटक के ब्यौरों पे थोड़ी सी बात की जाए तो नाटक के शुरुआती दृश्य में जो महंत हैं और उनके दो शिष्य हैं वो नगर को देखते हैं और फिर उसके बाद ये कि नगर तो बहुत अच्छा है, बाजार है, वहाँ सब कुछ टके शेर मिल रही है, इस तरीके की जानकारी उनके शिष्य आकर के देते हैं। तो वो एक बात कहते हैं जो एक दोहा है, बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, प्राण दीजिए रोए, मैं भूल रहा हूँ दूसरी लाइन का शुरुआती हिस्सा। तो कहने का मतलब इस शुरुआती दोहे में ही जो आगे होने वाला है गोवर्धन दास के साथ, जहाँ पे ये पूरा का पूरा नाटक मेरे हिसाब से एक विसंगति बोध का, विसंगति बोध जो है वो क्रिएट करता है। तो
उसका जो शुरुआती उसका उसके सूत्र हैं वो इस दोहे में आप देख सकते हैं, प्राण दीजिए रोए, यानी गोवर्धन दास जिसको न किए गए अपराध की सजा मिलने वाली है, उसका शुरुआती जो शुरुआत में ही उसका इशारा महंत की उस बात में है। यानी एक तरफ विवेक है, महंत है जो बहुत विवेकी मनुष्य है, मनुष्य के तौर पे इस नाटक में प्रस्तुत है, दूसरी तरफ पूरी की पूरी सत्ता व्यवस्था है जिसमें जो हाकिम है और सबसे बढ़कर राजा, जिसको इस पूरे नाटक में आप देखें तो मतलब मूर्ख और जाहिल एक कैरेक्टर के रूप में आप देख सकते हैं उसको। तो हाँ, तो जो विसंगति है वो कहाँ है, अगर इस पर बात करें तो जो बाजार का दृश्य है आप उसमें देखें, जैसा अभी अविनाश जी ने अपनी बात में कहा कि एक अच्युतानंद जी ने अच्युतानंद जी ने अपने अपने वक्तव्य में कहा कि एक टेक है टके शेर, यानी किसी चीज का जो मूल्य है, यानी किसी भी चीज के मूल्य को पहचान पाने का जो विवेक होता है वो इस व्यवस्था में नहीं है। तो कहा टके शेर, अलग अलग हाक लगाने वाले लोग हैं बाजार में, पाचक वाला है, जात वाला है, और भी चीजें चने वाला है, जो लोग हैं उनकी जो हाक है उन सभी की हाक में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, टके शेर। और इस टके शेर अलग अलग हाकों के संघनन से एक केंद्रीय टेक बनती है, जिसे जिससे इस नाटक की केंद्रीय जिसे इस नाटक की केंद्रीय टेक कहा जा सकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये जो मैंने शुरू में एक बात कही कि किस तरीके से ये जो पहले की परंपरा है उससे संवाद करती है कोई कृति, और फिर आगे की जो रचनाशीलता है वो उस कृति से किस तरीके से संवाद करती है, अगर इस पर हम बात करें तो गालिब हैं उनके, भारतेंदु हरिश्चंद ये नाटक 1881 में लिख रहे हैं, उनके ठीक पहले गालिब जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, तो वो अपने एक शेर में कहते हैं कोई उम्मीदवर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो कोई उम्मीद नहीं है, यानी जो उम्मीद है वो खत्म हो चुकी है, ये जो व्यवस्था है वो इस तरीके की व्यवस्था है कि इसमें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यानी गालिब जो कह रहे हैं कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब इस हाले दिल को आप हाले देश में अगर बदल दें, वहां पे हाले देश कर दें, तो वो जो विसंगति है उस पूरे दौर की वो समझ में आ जाती है। अब आगे के जो रचनाकार हैं, जैसे मैं हरिशंकर परसाई का नाम इस प्रसंग में लेना चाहता हूं, उनकी एक कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर उस कहानी में एक प्रसंग है कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर गए हैं चांद सरकार के बुलावे पे, और वहां वो वहां की पुलिस जो पुलिस व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए वो बुलाए गए हैं। बहुत दिन तक इंतजार करते हैं, कोई केस नहीं आता है, कत्ल हो जाता है। तो फिर जो वहां के पुलिस ऑफिसर हैं उनके साथ माता दिन का एक संवाद है, उस संवाद में माता दिन कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने उस कत्ल किए गए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था उसको तुरंत गिरफ्तार करो। तो वहां का जो कोतवाल है वो कहता है कि उसने तो कोई गलती नहीं की थी, उसको क्यों गिरफ्तार किया जाए। तो माता दीन कहते हैं कि तुम्हें एविडेंस चाहिए। अब इस प्रसंग को आप अंधेर नगरी के उस प्रसंग से जोड़ के देखिए कि राजा कहता है, वो सारा जो राज्यसभा का दृश्य है उसकी डिटेलिंग आप सब लोगों ने पढ़ा है, वो पता होगा आपको। तो राजा कहता क्या है कि कोतवाल को, अंतिम में कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई जाती है, फरमान जारी किया जाता है। कोतवाल की गर्दन मोटी है, मोटा आदमी है, पतला है, तो जो फांसी का फंदा है उसमें उसकी गर्दन अट नहीं पाती है। तो फिर से राजा के पास जाते हैं कारिंदे और वो कहते हैं कि ये दिक्कत है। तो राजा फिर से कहता है, एक फरमान जारी करता है कि किसी भी मोटे व्यक्ति को पकड़ के सजा दे दी जाए ताकि न्याय हो सके। यानी न्याय होना महत्वपूर्ण है, और न्याय किस तरीके का है, न्याय इस तरीके का है कि मतलब उसमें विवेक नहीं है, किसी भी व्यक्ति को सजा दे देनी है।
तो अब आप देखिए दोनों प्रसंगों को जोड़ करके देखिए तो ये बात समझ में आती है कि यहाँ जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जिनके हाथ में पूरी व्यवस्था के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है, वो कितने विवेकहीन हैं। तो ये बातें हैं, थोड़ी देर में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, पर्ची मिल गई है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समय हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय हो, हरिशंकर परसाई का समय हो, हमारा अपना समय हो, या कोई भी और समय, जब तक लोग ये कहने को मजबूर होते रहे कि छलियन के एका के आगे लाख कहो एकहु नहीं लागे, या अगर हम इसी नाटक में एक दोहा है, अंध्या अंधाधुंध मच्छियो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। तो आज के संदर्भ में देखें तो जो साहब हैं या साहब लोग हैं वो रहते विदेश में हैं, चुनावी मौसम में प्रकट होते हैं और भाइयों बहनों करते हुए फिर से विदेश यात्रा वो कर सकें, इसका प्रबंध करके फिर विदेश चले जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आसिम भाई। अब मैं शर्मिला जलान जी को बुलाना चाहता हूँ। कोलकाता से हैं, अध्यापन करती हैं और लेखन भी करती हैं, कहानियां लिखती हैं, उपन्यास भी लिखा है। मैं रजा फाउंडेशन की असाधारण रचना से संवाद करने का अवसर दिया। अंधेर नगरी का पाठ हम एक ऐसी कालजयी रचना के रूप में कर सकते हैं जो सत्ता, सभ्यता, समाज, सच और स्वप्न के अंतर्विरोधों को, सत्ता और सच की मुठभेड़ों को दर्शाती है। सत्ता का अपना सच होता है तो समाज का अपना सच, सत्ता का सच को देखने का भी अपना नजरिया होता है। सत्ता संपूर्ण सत्य को नकार कर आधे अधूरे और खुद को संरक्षित, पोषित, पल्लवित तथा विकसित करने वाले सरल, एकांगी, निरंकुश और खंडित सत्य को देखना चाहती है। सत्ता मनस्थितियों और परिस्थितियों को उसकी जटिलताओं में देखना, समझना, परखना, अवलोकन करना नहीं जानती, नहीं चाहती। किसी भी रचना का सत्य मनुष्यता के सुंदर स्वप्न देखना चाहता है। सत्ता उन सुंदर स्वप्नों को कुचलना चाहती है। सत्ता उन सुंदर स्वप्नों के साथ नहीं रह सकती। सत्ता की सत्ता उनके प्रतिरोध में खड़े रहने से ही है। इस तरह सत्ता और सच की निरंतर मुठभेड़ होती रहती है। कभी कभी सत्ता के सत्य को देखने, परखने और समझने के ढंग तथा औजार उसके खुद के लिए आत्मघाती साबित हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हम अंधेर नगरी में चौपट राजा के स्वयं फांसी पर चढ़ने के रूप में देखते और पाते हैं। इस रचना में जहां सत्ता का सच है वहीं साहित्य का भी सच है। साहित्य के अपने सत्य व द्वंद्व होते हैं। सत्ता और समाज के सच को, अंतर्द्वंद्वों व अंतर्विरोधों को साहित्य में पकड़ने का रास्ता साहित्यकार अपनी तरह से ढूंढता है। वह पीछे मुड़कर अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से, परंपरा से कुछ मूल्यवान ढूंढ कर लाता है तो कभी वह आगे बढ़कर कोई नवाचार करता है। इस तरह साहित्य के स्वप्न, सौंदर्य और सच अलग होते हैं, जिसकी तरफ बड़ी कलाकृतियां इंगित करती हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा के राजा का स्वप्न और सच अलग है, प्रजा के स्वप्न और सच अलग। राजा और प्रजा के बीच जो संबंध है उसको देखने वाले लेखक के स्वप्न और सच अलग हैं, जिसे लेखक अपने साहित्य के स्वप्न और सौंदर्य से जोड़ता है, चिंतन मनन करता है कि उसे कैसे लिखा जाए। यहाँ सत्ता और समाज का सत्य एक साहित्यिक स्वप्न में बदलता है। लेखक सत्य का अन्वेषण और आविष्कार करना चाहता है। वह
पूर्ण सत्य की खोज करना चाहता है। उसमें अपने में न सत्ता का सत्य है न समाज का सत्य। अंधेर नगरी चौपट राजा को पढ़ते हुए हम यह पाते हैं कि यह रचना आज के समय की भी न्याय व्यवस्था को न सिर्फ उसकी जटिलताओं में पकड़ने की कोशिश करती है बल्कि उसकी संपूर्णता में उजागर करने की भी कोशिश करती है। इस प्रहसन का उद्देश्य फंतासी और सच्चाई का संगम कर परिहास प्रिय रसिक जनों को परितुष्ट या सिर्फ दिल बहलाना नहीं है। इसमें अनेक गूढ़ अर्थ छिपे हैं। क्या सही है और क्या गलत, छल व द्वेष छोड़कर कर्म धर्म की राह बताना और न्याय राजनीति और विषन्न परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता पर दृष्टि डालना है। यह कार्य यह रचना ट्रेजेडी और कॉमेडी के माध्यम से करना चाहती है। हम ये पाते हैं पुराने लेखक कलाकारों ने भी ट्रेजेडी और कॉमेडी के माध्यम को अपनी बात को असरदार बनाने के लिए प्रयोग किया है। इस तरह की चीजें हमें शेक्सपियर और चेखव के नाटकों में नजर आती है। इस प्रकार हम यह समझ पाते हैं कि अंधेर नगरी सत्ता सच समाज स्वप्न के अंतर्विरोधों को उसकी मुठभेड़ों और अंतर्द्वंद्वों को पहचानने की दृष्टि देती है। कोई भी जागरूक कृति अपने समय की राजनीति से विमुख नहीं हो सकती। वह अपने समय की राजनीति से साक्षात्कार करती है। इस बात को हम प्रेमचंद मुक्तिबोध जैसे हमारे महत्वपूर्ण रचनाकारों में भी देख सकते हैं। लेखक के रूप में जब इस कृति को 15 साल बाद मैंने फिर पढ़ा तो इसकी शुरुआत ने ही पकड़ लिया। किसी भी कृति की शुरुआत एक ऐसा स्थल हुआ करता है जो पाठक को अपने साथ आगे ले जाता है पीछे ले जाता है और कभी कभी वहीं रोक भी देता है। कल शायद अंकित जी भी इसकी बात कर रहे थे जब उपन्यास की चर्चा हो रही थी कि श्यामा स्वप्न उपन्यास की जो शुरुआत उन्होंने की वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो रचना का प्रारंभ एक ऐसा बिंदु है जहाँ से पाठक में रोचकता और दिलचस्पी तथा रुचि जग सकती है, बनी भी रह सकती है, बढ़ सकती है तो कम भी हो सकती है। अंधेर नगरी को पढ़ते हुए मुझे कुछ कालजयी कहानियों की याद आई, जैसे चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था और प्रेमचंद की ईदगाह ममता जी ने भी कहा है। इनके याद आने के कारण क्या हैं, यह है कि इनमें भी उसी तरह का बाजार है जिस तरह का बाजार हम अंधेर नगरी को पढ़ते हुए देखते और पाते हैं। भारतीय जीवन में इस तरह के बाजार हाट और मेले अपने राग रंग उल्लास के साथ मौजूद रहे हैं जो अब आधुनिक मॉल में तब्दील होते जा रहे हैं। इस तरह यह वर्षों वर्षों पुरानी कृति जिसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी, किसी भी कालजयी रचना की तरह यह रचना अपनी जटिलताओं में अपनी आधुनिकता और समकालीनता को रेखांकित करती और पकड़ती है। यह समाज का सरलीकरण नहीं है। ये रचनाएं न समाज का सरलीकरण करती है, न सत्ता का और न ही साहित्य का। ये कृतियाँ देशकाल की मानवीय स्थितियों को उसकी समग्रता में संपूर्णता में जटिलता में पकड़ना व्यक्त करना चाहती है। इस तरह यह अपने देशकाल का अतिक्रमण करती है और अपनी समकालीनता और आधुनिकता को व्यक्त करती है। अंतिम बात कह के अंत करूंगी, एक पॉइंट है। अंधेर नगरी की पारंपरिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सोचते हुए उसकी न्याय व्यवस्था पर विचार करते हुए अपने देश की बेताल पच्चीसी की कुछ कहानियां और राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी याद आती है। यह नाटक बहुत रोचक पूर्ण ढंग से सत्ता न्याय व्यवस्था के अंतर्विरोधों को सतह के नीचे की अराजक स्थितियों परिस्थितियों को समस्याओं से निपटने के विवेक शून्य औजारों को दिखाता है। इस प्रकार वर्षों बाद अंधेर नगरी को आज भी पढ़ते हुए एक लेखक के रूप में आज भी पढ़ते हुए यह समझ में आया
कि कालजयी रचना कभी पुरानी डेटेड नहीं होती, जितनी बार हम उसके पास लौटते हैं वह नई कलात्मक अंतर्दृष्टियों से हमें समृद्ध करती है, हम उसमें नए नए अर्थों को पढ़ पाते हैं और नई प्रतिध्वनियां सुन पाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मिला जी। अब मैं हिंदी कविता के युवा हस्ताक्षर वीरू सोनकर जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते। जब हमसे कहा गया था कि अंधेर नगरी पर आपको बोलना है, तो उस समय ऐसा लगा था कि हमें आलोचकीय वक्तव्य जैसा कुछ देना है, और बाद में ईमेल आया और वो काफ़ी सुविधाजनक ईमेल आया कि हमें इस कृति को अपने समकाल में देखना है कि यह क्यों प्रासंगिक है। तो अंधेर नगरी, अगर हम आज के समय को देखें और उस समय जब ये कृति रची गई थी, एक अंधेर नगरी उस समय भी थी, एक आज भी है, एक विवेकहीन राजा तब भी था, एक विवेकहीन सत्ता प्रमुख अब भी है। एक चीज और थी, बाजार अब भी है, बाजार तब भी था, टका शेर तब भी था, टका शेर अब बदल करके पोस्ट ट्रूथ में बदल गया। हर भाव, एक भाव पर हर चीज थी, और मुझे अब लगता है कि हर चीज एक खास तरह से हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसका सीधा सा हम ये देख सकते हैं कि जिनके बाल चले जाते हैं, आप बाजार में जाएं, कई प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कहेंगे कि बाल आ जाएंगे, या जैसे मेरे जैसे कलर वाले के लिए पूरा मार्केट खड़ा है कि क्रीम है सब है, मगर वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। पोस्ट ट्रुथ बाजार पर हावी है, जैसे टका शेर उस समय हावी था। एक चीज अनुपस्थित है, वो ये है कि उस समय लोग अपने आक्रोश और अपनी अभिव्यक्तियों के लिए सहज भाव से व्यंग को अपना लेते थे। आज व्यंग घट गया है, सुधीर सर सामने मौजूद हैं, पूरे प्रयास इनके रहते हैं कि व्यंग बचा रहे, पर मात्रा कम हो गई है। हम बड़े ही उदासीन लोग हो चुके हैं, शायद हम लोग सबसे ज्यादा निराश पीढ़ी हैं। आजादी से पहले और आज की पीढ़ियों में अगर हम देखेंगे तो हम सबसे ज्यादा उदास, निरुत्साहित और बहुत कम बची हुई उम्मीदों को हाथ में पकड़े हुए लोग हैं। ऐसी स्थिति में व्यंग विधा साधना बहुत कठिन काम है। तो मुझे लगता है कि जो अंधेर नगरी आज है, इसमें विकल्प के तौर पर एक व्यंग हमारे पास था, वो कम हो गया है। इस नाटक की रचना अंग्रेजी काल में हुई थी, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतेंदु जी ने, एक बिहार के राजा थे, उनके ऊपर कटाक्ष के रूप में इसे नाट्य रूप दिया था। जब हम इस नाटक के अपने समकाल में प्रासंगिकता तलाशते हैं, तो ये देखते हैं कि आज का जैसे हमारा समय है, तो हम लेखक अपनी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करने का भरसक प्रयास करते हैं, ताकि अशोक सर जैसे व्यक्ति के सामने हम लोग अपने आप को और प्रयाग सर के सामने हम लोग ये साबित कर सकें कि हम लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ सर, कलाई खुलती है। भाषा का नकलीपन जाहिर हो जाता है। जिस जमाने में भारतेंदु जी ने नाट्य रचना की थी ये अंधेर नगरी, सभी जानते हैं कि नाटक भारत में संस्कृत भाषा में शुरू किया गया था, काफी पुराने, जैसे कालिदास के भी नाटक अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा में था। और उस समय जब भारतेंदु जी ने इसको भाषा या इसको शिल्प दिया है, तो उसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों से बचते हुए तद्भव शब्दों की प्रचुरता का प्रयोग किया और जनभाषा में। आज बाजार में शायद जातियां कम हो गई हैं, हर जाति का व्यक्ति हर व्यवसाय कर सकता है, उस समय हर जाति का एक ही व्यापार होता था। तो
जाहिर सी बात है कि हर एक की अपनी लोकोक्तियां होती थी और अपने प्रोडक्ट को पेश करने की उसके एक अलग तेवर होते थे, अलग उसके भाव होते थे और अलग तरह से वो अपने उत्पाद का वर्णन करता था और उसी के सहारे वो जो राजा होते थे जिनसे वो असहमत है जनता, तो वो तंज मारते थे। तो भारतेंदु जी ने संस्कृत निष्ठ शब्दों से दूरी बनाते हुए फेरी वालों और छोटे व्यवसाय के लोगों से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग किया। हम कह सकते हैं जमीनी भाषा थी। अच्छा, मैं दो तीन एक तरह से हेडिंग के साथ अपनी बात कहूँगा, ज़्यादा सर की वजह से पढ़ना हुआ, इस कृति को हम लोग भूल चुके थे, हमें ऐसा लगता था हमने अंधेर नगरी पढ़ी हुई है, पर आज कई साल के बाद ये लगा कि अंधेर नगरी उस समय नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा है। तो एक चीज है नायक विहीनता। आज के नाटकों को देखें, नायक होते हैं, उनके बिना शायद हम, हमारे प्रयास शायद होते हैं कि हम ऐसे नाटक लिख सकें जिनमें नायक ना भी हो, कथानक नायक हो। तो भारतेंदु जी के द्वारा जो अंधेर नगरी है, इसमें मुझे लगा कि इसमें नायक नहीं है पर फिर भी एक नायक है, कथानक। कथानक इसका नायक है, जबकि आज के समय पर जैसे पाश्चात्य नाटकों में हम देखते हैं कि नायक लगभग लगभग अनिवार्य होता है, तो मुझे लगता है कि अंधेर नगरी में नायक विहीनता भी एक बड़ा तत्व है, उसे हमें आज समझा जाना चाहिए। नाटकीयता। भारत में इधर के कुछ दशकों में एक खास तरह के अभिजातवाद की पहचान हुई है, वह है मंचीय और गैर मंचीय साहित्य। आजादी के आसपास के समय पर अगर हम कविता को ही देखें तो उस समय मंचीय और गैर मंचीय का भेद नहीं था, जो कविता थी वो दोनों थी, मंच पर भी थी और पढ़ने में भी थी। स्वतंत्रोत्तर काल में इस प्रवृत्ति को आश्चर्यजनक रूप से पोषण दिया गया, जबकि इस काल में पूर्व लिखित साहित्य में हमें ऐसा विभेद कम दिखा। हिंदी कविता में यह विभेद अपने सबसे अराजक रूप में सामने आता है। मंचीय कविता अलग हो गई और उसका स्थान भी बड़ा नीचे हो गया है। तो कहानी और उपन्यास में यह विभेद कुछ अलग तरह से सामने आता है। लोकप्रिय और गंभीर साहित्य, ऐसा विभेदीकरण नाटकों में भी है। पौराणिक विषयों, जन आंदोलनों के साथ साथ साहित्यिक दायित्वों और गुणों से साहित्यिक दायित्वों और गुणों से परिपूर्ण नाटकों के अलावा कुछ सस्ते किस्म के कथ्य वाले नाटक जिनका मंचन शुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। नाटकों में मंची और गैर मंची विभेद दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ है, ऐसा मुझे लगता है अपने सीमित ज्ञान के तहत, हमारे यहाँ हिंदी में है। अब नाटक इसलिए लिखे जाते हैं कि उनका मंचन किया जाएगा, ये बड़ी बात मुझे लगती है कि कहीं हम एकांगी हो रहे हैं, एक दृष्टि हो रहे हैं, हम नाटक इसलिए लिखते हैं कि इसका कोई मंचन करेगा। जबकि जयशंकर प्रसाद स्पष्ट करते हैं कि रंगमंच के लिए नाटक नहीं, नाटक के लिए रंगमंच है। अंधेर नगरी के विषय में उसकी गति, भाषा, काव्यात्मक व्यंग और कथानक को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह इस तरह के प्रायोजित विभेदीकरण से आगे जाकर इस उक्ति पर खरा उतरता है कि नाटक सिर्फ एक नाटक है। अंधेर नगरी नाटक अपने आप में नाटकीय गुणों के साथ साहित्यिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है। अच्छा, संबंधों में कसावट, हम लोगों में काफी अगर हम अंधेर नगरी देखते हैं तो कई बार बाजार में ऐसे संवाद होते हैं दो शब्दों में, दो ही शब्दों में दुकानदार ने बोला, दो ही शब्दों में जवाब भी हो गया, टकासेर, ये क्या है टकासेर, ये क्या है टकासेर, वो दो शब्दों में ही। तो ये वाक्यों में उन्होंने जबरन बढ़ाया नहीं है। तो अब आते हैं, मेरे पास समय पर्ची आ गई है, समकालीनता। नाटकों में समकालीनता एक भ्रामक शब्द मुझे लगता है जिसकी तलाश अभी भी हो रही है, और ऐसा शायद इसलिए लग रहा है कि नाटक पहले अधिक लिखे जाते थे, अब कम लिखे जा रहे हैं, पहले क्वालिटी थी अब मात्रा अधिक है,
तो ऐसी स्थिति में समकालीनता तलाशना काफी कठिन कार्य है। मेरी अपनी बात समाप्त हो गई। धन्यवाद वीरू। मैं अमितेश को आमंत्रित करता हूँ। अमितेश हिंदी पढ़ाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी के छात्र हैं, लेकिन इन्होंने अच्छी सेंध मारी है थिएटर में और अच्छा लिखते हैं। समय कम है, इसलिए सीधे मैं अपना पाठ जो लिख के लाया हूँ पढ़ता हूँ। एक आध मिनट एक्स्ट्रा हो तो माफी चाहूंगा, उसमें कोशिश करूंगा पहले खत्म कर दूँ। मैंने अपने एक शिक्षक से सवाल किया कि अंधेर नगरी आज के समय में हम क्यों पढ़े। उन्होंने उल्टा सवाल दागा कि मैं पूछता हूँ कि क्यों ना पढ़े। मुझे भी बात ठीक लगी, क्यों नहीं पढ़े। तो आइए हम अंधेर नगरी पढ़ते हैं। अंधेर नगरी के अंधेर का अर्थ अगर आप केवल उजाले की अनुपस्थिति से लगाएंगे तो ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे। यह अंधेर का मतलब ऐसी स्थिति का होना है जिसमें वह सब होता है जिसे नहीं होना चाहिए। अव्यवस्था ही व्यवस्था के रूप में स्वीकृत है, एबनॉर्मल न्यू नॉर्मल के रूप में प्रतिष्ठित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा, याद रखिए यह अंधेर नगरी नहीं है, पूरा नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा, अंग्रेजी शासन के दौर में लिखा। वो यह दौर था जब भारतेंदु नाटक के इर्द गिर्द हिंदी समाज में राजनीतिक और समाज सुधार की चेतना के प्रसार को केंद्रित रखे हुए थे। वे भारत दुर्दशा लिख चुके थे और 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लागू हुआ था जिससे डरकर नाटककारों ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी थी। और ये एक युक्ति है जिसका प्रयोग भारतेंदु कहते हैं अपने समाज की आलोचना करने के लिए। और इस युक्ति के जरिए दो काम करते हैं भारतेंदु। एक तो इस नाटक को बचाते भी हैं, नहीं तो ये नाटक पारसी रंगमंच में खेला जाता था और पारसी रंगमंच में के तमाम प्रहसनों के साथ ही ये नाटक भी गायब हो जाता। तो एक तरफ तो इसको बचाते हैं, दूसरी तरफ लोक कथा को अपना रंग देकर उसको एक सामसामयिकता में ढालते भी हैं। सवाल यह है हमारे सामने कि क्या हमारे समय में अंधेर नगरी जैसा एक भी साहित्यिक प्रयास है जिसमें ऐसे जिसमें आज के सच का निरूपण हो और वह जनता तक संप्रेषणीय भी हो। जवाब मिलेगा नहीं, तो हमको अंधेर नगरी इस समय में पढ़ना ही होगा क्योंकि वह बाजार और राज्य दोनों की हकीकत बयान करता है और यही दोनों नियामक शक्तियां हमारे जीवन पर हावी हैं और हमको लगातार बदलने की कोशिश कर रही हैं। और इसे जरूरी है कि हम इसको आज के समय में खेलें तो इसका पाठ हमें कुछ बदलना होगा। तो अंधेर नगरी अपने प्रकाशन और मंचन के तुरंत बाद से बेहद लोकप्रिय हुआ, आज की भाषा में बेस्ट सेलर। महेश आनंद ने अपने शोध में बताया है कि अंधेर नगरी को छापने के लिए प्रकाशकों में होड़ थी और बाकायदा भारतेंदु एक कानूनी विवाद लड़ चुके थे और जब कभी नाटक की मांग होती थी तो वो खुद छाप के बेच भी देते थे। अंधेर नगरी को ऐसे दौर में पढ़िए जहां बाजार में हर चीज बिकाऊ है, वस्तु का मोल उसकी गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है, निरंकुशता और अविवेक इतना चरम पर है कि राजा अपने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार है। और इस अंधेर नगरी में जो पश्चिम दिशा की ओर है, गोवर्धन दास जैसे सुविधाजीवी और लालची फंस गए हैं। बुनियादी सवालों को कोई सुनने वाला नहीं है कि बची खुची जो गरीब की संपत्ति है उसको कौन लूट रहा है, बकरी अगर मर गई है तो उसका दोषी कौन है। कहां तो राजा का दावा है कि उसके यहां ऐसा न्याय होगा जैसा जंग के यहां भी नहीं, लेकिन इस न्याय व्यवस्था में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं है। ऐसी है अंधेर नगरी जिसमें साधु महात्मा लोगों की दुर्दशा है। इसकी तुलना आज बुद्धिजीवियों के बढ़ते विरोध से कीजिए और देखिए कि उनको अपनी स्वतंत्र चेतना की कीमत कैसे चुकानी पड़ी है। अंधेर नगरी का राजा कब क्या फैसले ले ले और लोगों को कतार में खड़ा कर दे, इसकी आशंका नागरिकों तो है ही राजा के नुमाइंदों में भी है। नाटक में बहुत सारे नीति के उपदेश हैं जो समय समय पर महंत अपने चेलों को देते हैं और प्रकारांतर से भारतेंदु अपने दर्शकों और जनता को देते हैं। नाटक के शुरुआत में ही संस्कृत का एक नीति श्लोक है जिससे नाटक शुरू होता है, उसका आशय मैं पढ़ता हूँ। ये श्लोक पढ़ना बहुत दिलचस्प है। जिस देश में चंदन आम और चंपक वन में कुल्हाड़े से काटपीट की जाती है और शाखोटक अर्थात तुच्छ वृक्षों की रक्षा की जाती है, हंस मोर और कोकिलों के समुदाय में हिंसा की जाती है और कौओं का सदा आदर होता है, हाथियों को बेचकर गधे खरीदे जाते हैं, कपूर और कपास जहां एक समान हो, जिस देश वालों के ऐसे विचार है उस देश को दूर से ही नमस्कार है। मतलब यह कि जहां व्यक्ति और वस्तु के बीच गुणों के आधार पर विभेद नहीं किया जाए, सबको एक माना जाए, मूर्खों में अभूतपूर्व एकता हो, बुद्धि का विरोध हो, ट्रोरस बिना किसी विद्वान को पढ़े खारिज कर दें और अपनी कल्पना में महानता रच लें, ट्रुथ से इतर पोस्ट ट्रुथ निर्मित कर लें जहां सत्य की तलाश सबसे दुष्कर हो और सत्य सबसे उपेक्षित भी, ऐसे देश में रहने से दुख होगा, प्राण घातक हो ही सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि आप ट्विटर छोड़ सकते हैं, फेसबुक छोड़ सकते हैं, ये वो जगह है जहां आज के राजा के दरबारी अपनी दरबार सजाते हैं, फैसले सुनाते हैं, लेकिन आप देश कैसे छोड़ेंगे। महंत और उनके चेलों को सुविधा है कि वो अंधेर नगरी से निकल जाए, लेकिन हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि एक स्तर पर हम सभी बराबर हैं। कानून और प्रशासन लोकतंत्र में जनता को उनकी गुणवत्ता के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, जिसमें न्याय भी एक सिद्धांत है, लेकिन क्या यह व्यवहारिक धरातल पर है। अंधेर नगरी में भी महिला की बकरी के मरने और इसे इंसाफ दिलाने का सवाल अनसुलझा रह जाता है और राजा स्वर्ग के जाने की लालच में फांसी पर चढ़ के चल देता है।
अंधेर नगरी का राजा आराम तलब है, उसमें इंसाफ का विवेक नहीं, लेकिन आज राजा लोगों के काम करने की रफ्तार की मिसाल दी जाती है। उसके कर्मठता के घटाटोप के बीच इंसाफ निरंतर हाशिए पर जाता रहता है। शासक वर्ग अपने अकंटक राज्य के लिए किसी को भी अपराधी मुकर्रर करके उसे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। आज शासक खुद स्वर्ग जाने के लालच में शायद ही फंसे, क्योंकि अंधेर नगरी के स्वर्ग की कल्पना पूर्व आधुनिक समाज की चाह है, आधुनिकता से पहले के समाज की। आधुनिक नव उदारवादी समाज में स्वर्ग एक निरंतर विकसित होती अवधारणा है, जिसको विकास के जरिए हासिल किया जाना है, और इसके लिए नागरिकों को हर तरह के त्याग के लिए तैयार रहना है जो तथाकथित राष्ट्र और प्रभु वर्ग के हित में हो। अंधेर नगरी के ऐसे राज्य का मॉडल है जो मरीचिका में है, यथार्थ में नहीं है, जिसमें अच्छे दिन गुजारने के लालच में तमाम गोवर्धन दास फंस गए हैं, और विडंबना है कि राजा को उन्होंने स्वयं चुना है। अंधेर नगरी की रंग परिकल्पना भारतेंदु ने 6 दृश्यों में की है, प्रहसन के व्याकरण के अनुसार किया है, जो बताते हैं अपने नाटक और निबंध दृश्य का, जो निबंध लिखा है उसमें बताते हैं प्रहसन के लक्षण। दृश्य है, पहला दृश्य है, क्रम से पढ़ता हूँ, बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, 6 दृश्य हैं, राजसभा, आरण्य और श्मशान। दृश्य और पात्रों के नियोजन से साफ है कि मंच पर अलग अलग धरातल के निर्माण से और थोड़े से परिवर्तन से सारे दृश्य उपस्थित किए जा सकते हैं, और प्रस्तुति एक त्वरा में संपन्न होगी जिसका दर्शकों पर प्रभाव होगा, तो भारतेंदु नाटक लिखते हुए उसके प्रभाव के प्रति भी चिंतित है। 2 दृश्य दिलचस्प है, दरबार का और बाजार का। बाजार के दृश्य में कौन कौन है? व्यापारियों की जमात है, कबाब वाला, चना वाला, नारंगी वाली, हलवाई, खुजड़ी, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला। जात वाला के आगे रुककर भारतेंदु बताते हैं कि कौन है? ब्राह्मण है। यही एक जाति है जिसका नाम है। भारतेंदु के निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे शक्ति को पढ़े तो समझ में आएगा कि यह पात्र ब्राह्मण क्यों है, क्योंकि यह उस वर्ग का प्रतिनिधि है जिसने यह समझ व्यवस्था बनाई है और उसकी उन्नति को बाधक भी किया है। जो टके के वास्ते झूठ को सच करने, ब्राह्मण से मुसलमान, हिंदू से क्रिस्तान बनने, धर्म और प्रतिष्ठा दोनों को बाजार में बेचने के लिए खड़ा है, जिसके लिए सब कुछ विचारू है, और आज के संदर्भ में इसको व्यवस्था चलाने वाली शक्तियों को अगर ब्राह्मण का प्रतीक माने तो देखेंगे कि वो सब अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को तोड़ मोड़ रहे हैं। बाजार का ही वह दृश्य है जहां भारतेंदु की भाषा सबसे पैनी है और जिसको मौलिक उद्भावना कहते हैं, वो भी इन्हीं दृश्यों में व्यक्त होता है। जैसे देखिए, टैक्स की व्यवस्था, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, न्याय व्यवस्था जैसे काजी वैसे पाजी, फिर समाज का व्यवस्थापक और चूरन खाकर मगन है। बाजार के हलवाई बताते हैं कि उनकी 36 कौम है, वो वैसे ही है जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिये, यानी राज्य और बाजार के नियंताओं में कोई फर्क नहीं है। नाटक के उपाठ को गहन बनाने में यह भाषा उस समय की खड़ी बोली है जिसको अभी विकसित होना है, यह अभी उतनी विकसित हुई नहीं है। इसमें एक प्रयोग पे ध्यान जाता है, भारतेंदु हलवाई से कहलाते हैं, मोयनदार कचौड़ी कचा का, हलुआ नरम चभा का। अब ये कचा का और चभा का प्रयोग अनायास नहीं है, ये लोक की क्रियाएं हैं जो स्वाद लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंधेर नगरी का प्रयोग ऐसे अनेक भाषिक सौंदर्यों से मुखर हुआ है, और ऐसा अंधेर नगरी की भाषा है जिसमें अभिनेता आज भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसको प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और रंग परिकल्पना की दृष्टि से एक और उल्लेख करना चाहता हूँ कि गोवर्धन दास अंधेर नगरी में गीत गाते हुए प्रवेश करता है, राग काफी में है। भारतेंदु जब भी कोई गीत या पद लिखते हैं हमेशा राग रागनी का उल्लेख करते हैं। गीत को पढ़ेंगे तो आप चौंकेंगे कि गोवर्धन दास जो इतना चैतन्य है वो कैसे अंधेर नगरी में फंस गया है। लेकिन आप याद कीजिए कि ब्रेक तभी पैदा नहीं हुए हैं, वो 17 साल बाद पैदा होते हैं अंधेर नगरी के लिखे जाने के बाद। ये लोक नाटक का शिल्प है जिसमें अभिनेता पहले व्यक्ति है, बाद में वो भूमिका में आता है। तो गोवर्धन दास पहले पात्र के रूप में स्थिति को बयान करता है, फिर वह गोवर्धन दास की भूमिका में कोई अभिनेता प्रवेश करेगा। तो ब्रेक से बहुत सारे पहले बहुत सफाई से एलियनेशन सिद्धांत को भारतेंदु अपने नाटक में रूपांतरित करते हैं। और गोवर्धन दास गाते क्या है, जो वैसा भाई ने भी कहा कि साच कहे ते पन ही खावे, झूठे बहुविधिपत पदवी पावे, छलियन को कहूं एक कहूं नहीं लागे। सच बोलने वाले को सजा मिलती है, झूठे पदवी पाते हैं, अंदर से कलुषता भरे लोग बाहर से चमकदार दिखते रहते हैं। ये गा के कहते हैं, मैं इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कोशिश में रहते हैं दिखने की, चमकदार दिखने की। धर्म धर्म सब एक हो गया है, न्याय वही जो राजा कहे, सुप्रीम कोर्ट भी कहे तो उसे चुनौती दी जाए, और ऐसे हालात में देश पहुंच जाए कि लगे ही ना कि शासक यहां रहता है। अब ये जो पंक्ति है कि अंधाधुंध मचो सब देता, मानव राजा रहत विदेशा, उस समय का सच था, लेकिन आज राजा ने अपना विदेश यहीं पर निर्मित कर लिया है। देश के सुचारू संचालन में उनकी कोई रुचि नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सारे इदारों में घमासान मचा हुआ है, मूर्खों का जवाबावड़ा दरबार में है जो जन विरोधियों के साथ है, और बुद्धिजीवियों को उन्होंने अपने खिलाफ मान लिया है। अंधेर नगरी के दरबार में क्या होता है? फरियादी की बकरी की मौत का जिम्मेदार दीवार को तलब किए जाने से सिलसिला शुरू होता है, क्रमशः कल्लू बनिया कारीगर चूने वाला भिष्टी कसाई से होते हुए सजा की सुई कोतवाल पर टिक जाती है। क्यों? क्योंकि कोतवाल शहर का इंतजाम देखने निकले हैं। अब जो इस बद इंतजामी का इंतजाम देखेगा वो तो गुनाहगार है ही,
इस दृश्य को पढ़ते हुए एक बात ध्यान देने की है, वह असंगत संवादों की योजना है जो राधा की मूर्खता को गाढ़ा करने के लिए। दृश्य के अंतर में भारतेंदु एक संकेत पढ़ते हैं, रंग संकेत है कि लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यानी दृश्य के अंत तक ये पता चल जाता है कि राजा अपने पैरों पर नहीं है, उसे सहारा चाहिए। आज का भी शासक अपने पैरों पर नहीं है, उसे सहारा चाहिए। अंधेर नगरी का मेरा पाठ राजनीतिक झुकाव इसलिए भी है कि इसका जितना पाठ या मंचीय संस्करण है वो राजनीति की तरफ झुक जाता है। शुरुआती अध्येता रामविलास शर्मा ने भी इसको राजनीतिक टेक्स्ट कहा है। जब शतरथ सिन्हा इसको इलाहाबाद में खेलते हैं तो भी उसका एक राजनीतिक व्याख्या करते हैं। बाबा कारंत जब इसको खेलते हैं 80 के दशक में अंत में, और पटना इट्टा खेलती है 85 में, तो भी उसका एक राजनीतिक टेस्ट होता है। बाबा कारंत की एक समीक्षा की व्याख्या जयदेव तरेजानी की है, उसकी मैं कुछ लाइन कोट करना चाहता हूँ। बाबा कारंत ने क्या किया था कि अंत में राजा के मरने के बाद महंत ही गद्दी पे बैठ जाता है। इसकी व्याख्या करते कहते हैं, मैं बस एक कुछ सेकेंड और लूंगा। तत्कालीन जयदेव तरेजा का लिखा है कि तत्कालीन जब राजा गद्दी पर खुद महंत बैठ जाता है, तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तन से प्रसन्न और उत्तेजित जनता को यह संदेश दिया कि जब तक सत्ता व्यवस्था के मूलाधार चरित्र और मूल्यों में आधारभूत परिवर्तन नहीं होता, तब तक किसी भी व्यक्ति वर्ग या पार्टी के आ जाने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या विगत सत्ता परिवर्तन या आगामी भी इस आशय को पुष्ट नहीं करता? व्यवस्था और उसके मूल चरित्र की सटीक व्याख्या अंधेर नगरी के रूपक के जरिए भारतेंदु ने की है, जो अपनी रचना के लगभग 140 साल के बाद हमें आगाह कर रहा है कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही न से जैसे चौपट राज। हम इस संदेश को तो पढ़ना ही नहीं चाहते और महंत की चेतावनी को भी अनदेखा कर रहे हैं कि सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। अंधेर नगरी के मूर्ख और निरंकुश राजा का अंत स्वर के लालच से होता है। भारतेंदु उसके अंत की युक्ति तलाशते हैं महंत के जरिए और उसके अंत में ही निदान देखते हैं। लेकिन आज की अंधेर नगरी और इसके चौपट राजा की ऐसी निरंकुशता का अंत किस युक्ति से होगा? अंधेर नगरी का पाठ हमारे सामने यह सवाल रखता है। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिदेश। हम जैसे लोगों की मुश्किल ये होती है कि बोलने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन जब संकट का आपको अंदेशा हो तो आप उसके लिए तैयारी करके आते हैं। पिछली बार मैं फंसा था तो इस बार मैं तैयार होकर आया हूँ कि मुझे शायद संचालन करना पड़े, तो मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँगा जिनके पल्ले नहीं पड़ी हूँ। तो इन्होंने जो कहा है आपको, उसमें जो भी आपको अच्छा लगा वो उसको मेरी बात मान ली जाए, उससे मेरी पूरी सहमति है। जो जिससे आप असहमत हो उससे मेरी भी असहमति मान लीजिए। अब बातचीत की शुरुआत में अच्युता भाई ने कहा था कि वो दूर की कौड़ी ला रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं उससे भी दूर की कौड़ी लेकर आने वाला हूँ। और अशोक जी ने कहा था कि कुदृष्टि से भी टेक्स्ट को देखना चाहिए, तो जो मेरी सुदृष्टि है वो छप चुकी है और यहाँ जो मैं पेश कर रहा हूँ वो मेरी कुदृष्टि है, और उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, मतलब ऐसे ही अनायास प्रयास के लिए इसकी मैं पहले से क्षमा याचना कर लेता हूँ, क्योंकि वरिष्ठों का मामला है और कोई भी फतवा नहीं जारी करना चाहिए। इसलिए मैं सीधे सीधे टेक्स्ट पे आते हुए टेक्स्ट के साथ अपनी बात रखूंगा ताकि मैं अपनी बात पूरी तरह रख सकूं, क्योंकि मैं इस पूरे टेक्स्ट को बिल्कुल नए नजरिए से पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। पहला अंक है, महंत कहता है बच्चा नारायण दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, और नारायण दास भी इसमें सहमति दिखाता है कि नारायण के आश्रय से नगर तो बहुत ही सुंदर है, और जो है माल अच्छा मिले तो और भी अच्छा हो। और गोवर्धन दास भी बहुत ही इसको कहता है, इसको जस्टिफाई करता है कि यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, मतलब माला माल दिखाई पड़ते हैं, बहुत पैसा है इनके पास। ये उसी अंधेर नगरी के बारे में बात हो रही है जिसमें सिर्फ अंधेरा और अंधेरा हम लोगों को दिखता है, जहाँ इतना सुंदर नगर है, जहाँ के लोग मालवर हैं, पैसे वाले हैं, धनी है, सुखी है। दूसरे और तीसरे अंक में जो है अपने तरीके से चीजें चलती रहती है। दूसरा अंक बाजार का है, जिसमें बाजार में जो है सब्जी से लेकर फल तक, चने से लेकर कबाब तक, नारंगी से लेकर मिठाई तक, पिस्ता बादाम से लेकर पाचक चूरन तक, मछली से लेकर जात तक और नमक से लेकर घी तक, सब टकासेर मिलता है। ये कोई मतलब स्थापित बात है। हम लोग, मेरा सवाल यह है कि हमको विरोध किस चीज़ से? मुझे तो अगर ये सब टका से मिले हैं चीज़ें, सोने से लेके चांदी तक, नमक से लेके घी तक, तो मुझे कोई दिक्कत इस समाज से नहीं है। जो नगर इतना सुंदर है और जहाँ के लोग भी मालवर हैं और खुशी खुशी रहते हैं, खाने को भरपूर मिलता है, तभी तो एक बार का आदमी आके 5 दिन में मोटा हो जाता है। ठीक है,
तो मुझे, मैं अब अपनी बात बस एक कहना चाहता हूँ कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे राज्य से, जिनको प्रॉब्लम हो वो चले जाएं बाहर महंत की तरह। फिर अंक चौथे में आता है जब न्याय का खेल रचा जाता है, भारतेंदु यहाँ न्याय का खेल रचते हैं। ये खेल न्याय कौन करने वाला है और न्याय कौन करवाने वाला है, इसका भी खेल है। न्याय राजा को करना है, लेकिन न्याय जो करवा रही है वो प्रजा है। प्रजा पहुंचती है कि बकरी मर गई और वो सब मजे लेते हैं राजा के, एक तरीके से पूरे टेक्स्ट को आनंद से अगर आप पढ़ें तो राजा तो मूर्ख है ही, अज्ञानी है ही, अविवेकी है ही, लेकिन प्रजा उसके मजे ले रही है हर चीज में। वो कोई भी बात कहता है प्रजा को उसको बदल देती है। वो कहती है कि भाई उसको पकड़, भिस्ती वाले को पकड़ के लाओ पहले, दीवार वाले को पकड़ के लाओ, तो दीवार वाला कहता है भिस्ती वाला, भिस्ती वाला कहता है चमड़े वाला, चमड़े वाला कहता है कोतवाल। इस तरीके से बातों जो है टालती रहती है। ऐसी सुजान प्रजा आपने कहीं देखी है जो राजा को उल्लू बना दे? और ऐसी सुजान प्रजा जिस राज में रहती हो उस राज से तो मैं बहुत सहमत हूं, जिसको असहमत होना है। मुझे उस राज से कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां राजा को जो है, मंत्री को जो है चरा दें। और न्याय व्यवस्था में आप एक भी देख लीजिए एक चीज कि कोतवाल को फांसी हो जाए यहां तो आप किसी संतरी को नहीं छू सकते। कोतवाल की बात तो बहुत दूर की बात है, आप बिल्कुल भी सही होंगे, फिर भी आपको चार लापड़ मार के जेल में इतनी पिटाई होगी कि फिर। पांचवें अंक में क्या होता है, बड़े मजे से गोवर्धन दास। अब ये गोवर्धन दास नाम जो है ये गोवर्धन नहीं है, ये गोवर्धन है। गोबर और धन अगर अलग कर दें तो भारतेंदु ने बहुत बढ़िया से दिखा दिया है कि हमको इस पात्र के साथ सिंपैथी नहीं रखनी है। ये भारतेंदु का टेक्स्ट है, वो गोवर्धन नहीं लिखते हैं, वो गोवर्धन लिखते हैं, ब लिखते हैं वहां पे। तो भारतेंदु ही इंगित कर रहे हैं कि ये जो पात्र है जिससे हम सब लोग सिंपैथी लेने लगते हैं इस टेक्स्ट के अंत में और कहते हैं इसको बचाना चाहिए राजा के न्याय से, वो राजा नहीं और प्रजा के न्याय से, जो भी है मुझे तो इससे कोई सिंपैथी नहीं है, इसको तो फांसी हो जाए तो हो। जो आदमी जनता के श्रम पे सिर्फ टिके रहना चाहता हो, खा पी के मुटाता चाहता हो, ऐसे लोगों से हमारी क्या सिंपैथी होनी चाहिए? मुझे तो कोई सिंपैथी नहीं है। जिसकी श्रम में कोई भूमिका नहीं हो और वो भी ऐसे राज में पहुंच के जहां हर चीज टके से हो जाती है, मतलब तो हल्के से परिश्रम से भी आप आराम से जीवन जी सकते हैं, फिर भी ये आदमी श्रम नहीं करना चाहता। तो मुझे इस गोवर्धन दास से प्रॉब्लम है और मुझे इसको बचाने की कोई इज्जत नहीं है और मुझे कोई फिक्र नहीं है टेक्स्ट पढ़ते हुए। मुझे लगता है इसको फांसी हो तो हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अब ये देखिए जो गोवर्धन दास गाता है पांचवें अंक में वो क्या है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासर भाजी टकासर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित जैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मुझे इस समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग पुरुष और स्त्री एक हैं और भड़वे पंडित एक हैं और बाद में बेस्या और जोरी भी कहते हैं एक समान है और वो एक हैं, एक जैसी इज्जत अगर भारतेंदु यहाँ पे दे रहे हैं उस नगर में सबको, तो मुझे उस समाज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। तो ये जो हम इस टेक्स्ट का इतने वर्षों से लगातार पाठ करते आ रहे हैं और जहां इसको अंधेर नगरी हम बता रहे हैं पूरे परिदृश्य को और पूरे उस नगर को, उसमें बसे हुए निवासियों को, उसकी चेतना को, उनकी चीजों को, मेरे ख्याल से हम उनका कुपाठ कर रहे होते हैं, जो मुझे समझ में आया। और ये मुझे पढ़ते हुए समझ में आया, पहले मैं भी वही समझता था, सुपाठ करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं जब पहली बार कुपाठ करने के प्रयत्न में लगा तो मुझे लगा कि मामला थोड़ा अलग है और उसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए। अब यहाँ जो न्याय है, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो प्रजा है वो जनता जो है वो इतनी चालाक है, इतनी सुजान है कि अपने राजा को टैकल करना सीख गई है, जानती है। इसलिए जब वो संतरी उसको पकड़ते हैं गोवर्धन दास को और कहते हैं चलो बेटा फांसी पे चढ़ो, तो बोलता मैं ही अकेला क्यों, तो बोल वो संतरी कहते हैं उनको कि भाई इस देश की प्रजा जो है खा पी के मोटाती नहीं है, उसको पता है राजा कभी भी फांसी दे देगा। तो जनता तो इस चीज को, हकीकत को समझ चुकी है, यहाँ खा पी के मोटाना नहीं है, श्रम करना है, खुश रहना है, जितना मिले खा लो। ये जो बाहर के लोग आते हैं और बैठ के आराम से खाते हैं उनको संकट है, हमको और हम जैसे प्राणियों को यहाँ पे संकट मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। और बस यही कुछ बातें थी जो मुझे कहनी थी और इस कुपाठ के लिए मैं माफी या जो भी आपके बस में। हाँ, प्रश्नोत्तर के लिए ये चैनल अब खुल गया है, आप में से जो भी सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। ये कुप्रश्न है, कितना
इतना बढ़िया सेशन था कि मेरे सवाल जो है कांप रहे थे, लेकिन फिर भी कांपते हुए रामचंद्र गुहा की किताब वो भो की लक्ष्मण रेखा पढ़ने के बावजूद भी अंधेर नगरी पढ़ते वक्त इसका एक साइड इफेक्ट है जिसपे शायद चर्चा की जानी चाहिए थी, और अच्युतानंद मिश्र से मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल का जवाब दें। ये सवाल एक अलग पाठ की तरफ है, जो मितेश ने कहा बहुत बढ़िया था। क्या अंधेर नगरी एक अपेक्षित गैर व्यवहारिक रचना का दृष्टिकोण या दृष्टिकोण की रचना करते हुए नजर नहीं आता? बाजार के प्रतिपक्ष में जो नैतिक दार्शनिक चेतना खड़ा किया गया है गुरु के माध्यम से, विशेष रूप से अपरिग्रही संस्कृति के, गीता के कर्मयोग पे ये हमेशा भारी रहा, और हम भारतीयों को मुझे लगता है काही बना के इसने छोड़ दिया है लंबे समय तक। तो यह अपरिग्रही संस्कृति की जो निर्मिति हो रही थी नवजागरण के समय में, इसके कंस्ट्रक्शन को लेके मैं चाहता हूं कि आप कुछ कहें, अगर सवाल समझ गए तो। एक चीज मुझे लगता है कि 19वीं सदी में भारत में एक आलोचनात्मक विवेक का निर्माण हो रहा है। भारतेंदु जो मैंने कहा कि गालिब से लेकर वो भारतेंदु तक आते थे आधुनिकता का एक विवेक, लेकिन आधुनिकता भारत में आती है तो एक संकट के साथ आती है। संकट ये है कि अंग्रेज जिस औद्योगिक क्रांति के साथ आधुनिक हुए हैं, भारत में उसी औद्योगिक क्रांति के कारण भारत गुलाम हो रहा है। तो भारत में जब यह आधुनिकता का बोध आता है तो वो आरंभ में एक संकट के साथ आता है। क्या हम अंग्रेजों के साथ जाएं, और अगर अंग्रेजों के साथ जाते हैं तो हम साम्राज्यवादी वर्चस्व को जायज ठहराएंगे, और अगर हम उस साम्राज्यवादी वर्चस्व की आलोचना करें तो उस आधुनिकता के विरोध में जाएंगे। मुझे लगता है कि यह दुविधा भारत में 19वीं सदी के जो तमाम विचारक हैं उनके सामने यह दुविधा है, राजा राम मोहन राय के सामने यह दुविधा है, गालिब के सामने यह दुविधा है, भारतेंदु तक आते आते यह दुविधा एक संक्रमण का रूप लेने लगती है। और इसलिए आप अभी मृत्युंजय भाई जो बात करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक चीज वो मिस कर रहे हैं, और वो कि एक ऐसा समाज है जिसमें क्रिटिकल सेंस कोलैप्स कर रहा है। ये मुझे लगता है कि अंधेर नगरी का एक अर्थ ये भी है कि उसमें कोई आलोचनात्मक विवेक नहीं है। आप जिस क्रम में लोग चीजें जा रही हैं, आप पूरे न्याय व्यवस्था को देखिए, उसमें क्रम में चीजें जा रही हैं, पर कहीं कोई सवाल नहीं है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस क्रम में ये क्रम कहीं टूटता नहीं है। आधुनिकता में ये क्रम हमेशा टूटता है, आधुनिकता हमेशा क्रम को तोड़ता है। तो मुझे लगता है कि पूरा अंधेर नगरी एक आलोचनात्मक विवेक जो भारतीय प्रारूप हो सकता है उसके निर्माण की कोई चीज उसमें बनती हुई दिखती है, जो आगे जाके गांधी के यहाँ जो देशज आधुनिकता को लेकर बहुत सारे, मुझे लगता है कि औद्योगिक क्रांति का विरोध कैसे करें, ये उनके यहाँ सारी बातें हैं। जैसे रेल का विरोध, तो रेल का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि रेल उनको बुरी लगती है, उनको लगता है कि इसी ये रेल उसी औद्योगिक व्यवस्था की दी हुई चीज है, जिस औद्योगिक व्यवस्था से अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, अगर हम भी उसी रेल को उसी रूप में स्वीकार कर लें तो हम उनके अधीन ही रह जाएंगे। तो अधीनता से अधीनता पैदा होगी, गांधी उस अधीनता का विरोध करने के लिए एक क्रिटिकल सेंस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो क्रम है, पता नहीं मेरे जवाब से आपका सवाल कहीं एड्रेस हुआ या नहीं। या एक प्रश्न मेरा भी है देश मृत्युंजय, कोई देने जवाब या दोनों देने तो और बेहतर है, कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि अंधेर नगरी का राजा मूर्ख है नहीं, मूर्ख दिखता है, क्योंकि अगर वो मूर्ख होता उसको उसके भीतर एक ऐसे भावना आती कि अच्छा अभी हम स्वर्ग जाने का सबसे अच्छा मौका है और मैं राजा हूं, मुझको ये मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं सर्वोच्च हूं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सत्ता कई बार जानबूझ करके मूर्खता को प्रस्तावित करती है ताकि उसी मूर्खता के दायरे में हम घूमते रहें और असली चीजों से ध्यान छूट जाए? एक पार्टी। मुझे लगता है जैसा मृत्युंजय भाई ने कहा कि इनका अलग पाठ था और उस पाठ से बहुत आपत्ति नहीं है कि वो राजा दरअसल एक समय के बाद अगर आप पढ़े गहराई से और तो लगेगा कि वो मोहरा है अपने दरबारियों का। तो दरबारी राजा के बोलने से पहले अगर आप नाटक पढ़ेंगे तो राजा के बोलने से पहले कोई कोई दरबारी बोल देता है,
वो कहता है कि इससे पहले कि किसी और को ये पकड़ के कुछ चढ़ा दे, इसी को चढ़ा दे। तो और इसीलिए राजा को जो सहारा चाहिए होता है वो संकेत देते हैं कि राजा अपने सहारे पे नहीं है, उसकी बुद्धि भी उसकी नहीं है। तो वो मूर्ख है या नहीं है ये तो बात तब होगा जब थोड़ी उसकी बुद्धि होगी। वो चौपट है जो अपना ही नाश खुद करने को आतुर है, ये उसका पार्ट है। तो इसमें वो दरबारियों से घिरा होता है, दरबारी इसी तरह व्यवस्था चला रहा है और उसी व्यवस्था में दरबारी उसको फांसी चढ़ा देते हैं। तो आप नाटकीय मंचन जो इसका होता है उसमें जब आप इसको देखेंगे, जैसे उन्होंने ठीक कहा कि अच्छा होता कि हम छह लोग इसका नाटकीय पाठ करते तो इसमें उसकी अर्थ छवियां और खुलती। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने व्याख्या किया, भौगा कारक ने इसी कुपाठ के इर्द गिर्द व्याख्या की है और ये करते हैं। एक चीज जो ये कह रहे हैं उसमें एक चीज और कि मुझे लगता है कि अंधेर नगरी का अंत एक यूटोपिया है। जैसे मार्क्स के यहाँ ये बात आती है कि पूंजीवाद अपने ही बोझ तले नष्ट हो जाएगा, लगभग उसी के समानांतर जो फंदा शासक वर्ग ने बनाया है उसी फंदे को वो खुद स्वीकार कर लेता है उस फंदे में। तो ये लगभग उसी तरह, ये ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है कि मार्क्स की कोई बात भारतेंदु को नहीं बताओ, लेकिन ये 19वीं सदी के आलोचनात्मक विवेक, जिस आलोचनात्मक विवेक से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मार्क्स का विवेक बन रहा था उसी आधुनिकता बोध से भारतेंदु भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों को कि भारतेंदु श्लोक कथा के ढांचे से कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसी के भीतर जो गुंजाइश है वो निकालते हैं। इसलिए उसके शुरू और अंत पहले से तय है, उसको भारतेंदु नहीं बदलते हैं। मैंने इस चूंकि समय नहीं था और बाद में हम लोग आसानी होगी कहा कि आप टेक्स्ट पे फोकस रहिए, तो ये खोजने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि ये लोक कथा पहले कब मिली होगी। तो ये लोक कथा और एक ही दिन में लिखा गया नाटक है, तो ये जब मूलभूत तथ्य हम इसको पढ़ेंगे तो टेक्स्ट के प्रति हमारी ज्यादा प्रतिबद्धता जाहिर करेगा। फिर कहें कि इसको हम एक बड़े फ्रेम में रखकर देखने की कोशिश करें, वो कर सकते हैं और लेकिन वो लोक कथा लाया नहीं। लेकिन एक बात मैं जो मिस कर गया था बोलने से वो कंप्लीट कर देना चाहता हूँ इसके साथ, वो ये कि जैसे हम बात कर रहे हैं आधुनिकता की और 20वीं शताब्दी में जो परिवर्तन आ रहे हैं देश दुनिया में भारत में भी, हम ये देख रहे हैं कि भारतेंदु अपने समय के सबसे पढ़ा लिखा चेतन मानस है। वो सबसे ज्यादा पढ़ता है, उसको यूरोप में जो चीजें घट रही है उसको पता है, वो दुर्लभ बंधु का मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भी करते हैं, संस्कृत का भी करते हैं, इंग्लिश से भी करते हैं, बंगाल से भी करते हैं और उनको फ्रेंच भी आती है और वो 34 भाषाएं जानते हैं लगभग, इतना पठित आदमी हंटर कमीशन के साथ भी जाते हैं। मुझे एक चीज जब अंधेर नदी में पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, क्या उन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जानकारी नहीं होगी, क्या उनको ये पता नहीं होगा कि मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है 1848 में और 1848 में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और ये 1881 की रचना है। तो मेरे ख्याल से इन सब जो घटनाक्रम दुनिया भर में चल रहे थे उसकी जानकारी भारतेंदु को थी और इसलिए वो जब पश्चिम के कहते हैं गोवर्धन दास जब पश्चिम की ओर जाता है तो पश्चिम की कोई देखने जाता है कि वहाँ क्या घट रहा है और ये राज्य पश्चिम और वो जो बाजार है जहाँ एक संभावित बाजार ये भी है कि वहाँ पे समाजवाद आ जाएगा और सब एक सब टके से मिलने लगेगा और फिर जो अवस्था हो सकती है शायद वो इसका एक खाका रखा की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बहुत दूर की खोजी है। लेकिन इसके साथ पाठ करना सालों से पढ़ रहे हैं इस नाटक को, पढ़ा भी रहे हैं, पर आज आप लोगों की इसकी व्याख्या सुन के बहुत नई नई तरह की दृष्टि मिली और ये भी कि कैसे हर समय के साथ उसके बहुत सारे न्यूआंसेस नए उभर कर आते हैं। पर मैं साहित्य के क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं रंगमंच से हूँ, तो मुझे लगा कुछ उसकी रंगमंचीय खूबियों के बारे में थोड़ी सी बात जरूर की जाए, खासतौर से जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जब भारतेंदु लिख रहे थे। ये वो समय है जब कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं थी कि शहरी रंगमंच कैसा हो, ये जो नया रंगमंच उभर रहा था लोक कलाओं के बाद, लोक रंगमंच के बाद, तो कोई रूपरेखा नहीं थी कि कैसा हो। बंगाल खंड जब भी पूरे देश के रंगमंच की, इस नए रंगमंच की बात करते हैं तो बंगाल की बात करते हैं, मराठी थिएटर की बात करते हैं, उनकी परंपराओं की बात करते हैं, पर अगर हम गहराई से देखें तो ये वही समय है जब वहाँ भी कुछ नए नए रूप बनाने की कोशिश थी बंगाल में, मराठी में, महाराष्ट्र में, और उसी समय भारतेंदु लिख रहे थे। और इनके नाटक अगर हम कंपेयर करें वहाँ के पहले नाटक और भारतेंदु का नाटक, तो
तो हम देखेंगे कि इसमें कहीं ज्यादा मौलिक दृष्टि है, सिर्फ तथ्य के स्तर पर नहीं, पर जो पूरा फॉर्म वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि जैसा आप लोगों ने बताया कि वो लोक नाट्यों से भी ले रहे हैं, संस्कृत रंगमंच जिस तरह की एस्थेटिक्स बनाता है उससे भी ले रहे हैं, यूरोप में जो हो रहा है उससे भी ले रहे हैं, फारसी जो हमारे यहाँ हो रहा है उससे भी ले रहे हैं, तो सब तरह की मतलब एक खुलापन है उनमें, हर जगह से लेने का मादा है, और अपनी नई बात जो कहनी है उसको कैसे सबसे ज्यादा असरदार ढंग से कहा जाए वो कहते हैं। जो दूसरी चीज, और इसीलिए उसमें हर नाटक में एक अलग ही स्ट्रक्चर है, अलग ही तरह की खुशबू है, अलग तरह का विवेक उसके गठन में भी नजर आता है, और साथ ही मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो उस समय की एक, हाँ पहले मैं एक बात कह दूँ कि किसी ने पूछा था कि ये एक सवाल होता है कि राजा कौन है, शायद आपने पूछा था, तो एक चीज मुझे लगती है कि भारतेंदु की अगर बाकी चीजें भी देखें तो वो अंग्रेजों पर बहुत कम प्रहार करते हैं अपने लेखन में, उनके आप निबंध भी पढ़ें और भी चीजें पढ़ें तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई बुराई नहीं नजर आती उनको, अगर बुराई नजर आती है तो मुगलों में नजर आती है, और या फिर उनके सारे लेखन में सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत है, अपने समाज का क्रिटिसिज्म बहुत है, तो ये जो इसमें राजा है ये कोई अंग्रेजों की ओर इशारा मेरे ख्याल से नहीं है, हमारे यहाँ का ही जो पूरी व्यवस्था है और उसमें जो ढील है उसके बारे में बात। तो जो मैं कहना चाह रही थी कि उनकी जो खास बात है उनका खुलापन, उनकी जिज्ञासा, उनका नया जानने की इच्छा, उनकी हर जगह से लेकर एक नए स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर उनकी मृत्यु इतनी जल्दी न हुई होती तो शायद हिंदी रंगमंच की परंपरा सबसे अधिक समृद्ध होती, उनको उसको पूरी तरह से बांधने का मौका नहीं मिला, वो एक पूरी तरह से रंगमंचीय व्यक्ति थे, मतलब रंगकर्मी थे, और इसीलिए उनके नाटकों में ऐसा गठाव आपको नजर आता है, जहाँ पर कि उन्हें समझ है कि मंच की सजावट कैसी होगी, कैसे कहाँ पर सिंपल करना है तो कैसे हो सकता है, एक के बाद एक सीन बदलना है तो कैसे हो सकता है, संगीत मतलब हर तरह की चीजों को जोड़ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये खासियत जरूर जब आप नाटक पढ़ रहे हैं, और नाटक जिसकी सार्थकता मंच पर भी होती है, तो भारतेंदु को पढ़ते समय उसकी मंचीय दृष्टि पर ध्यान रखना मेरे ख्याल से जरूरी है। शुक्रिया। मित्रों, अब आपको विदा देने का और आपसे छुटकारा पाने का अवसर आ गया। दो दिन से हम लोग एक अखंड कीर्तन कर रहे हैं, मतलब कीर्तन ही है एक तरह का, तो ये जो सत्र हमने रखा था इसका कोई विषय नहीं रखा था, और ये कहा था कि मनचाही बातें, यानी आप में से कोई ऐसा कोई रह गया हो जिसने कुछ ना कहा हो, कविता तक ना पढ़ी हो, तो वो भी कुछ कह सकता है, और जिसने कहा भी हो लेकिन फिर कुछ उसके मन में उमड़ रहा हो तो वो भी कह सकता है, लेकिन समय हमारे पास कुल 35 मिनट है, तो 2 मिनट से अधिक समय किसी को नहीं दिया जा सकेगा, और जो 2 मिनट में अपनी बात न कह पाए वो न बोले, क्योंकि दूसरों का वक्त, तो अगर किसी के पास कुछ कहने का है, और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो धवल केशी है, किसी को तो हाथ उठाना चाहिए, इतने बड़बड़ के बोल रहे थे अब क्या हुआ। आखिर मिला धवल केशी। केवल 1.5 मिनट लूंगा। मित्रों, यहां पर
अभी जो अंधेर नगरी की बात हुई और एक लोक कथा का जिक्र किया गया कि जो मूल सूत्र है उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहां से ग्रहण किया था, तो उस बारे में मेरी जो सूचना है, पता नहीं आप उसे पुष्ट कर सकते हैं, वो स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश से लिया गया एक छोटा सा कथानक है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पल्लवित किया। बस इतना ही। तो अगर आप ये तो बहुत आप कह रहे नहीं कोई और, अब फिर न कहिएगा कि अशोक वाजपेयी की पाठशाला में अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, बहुत सख्ती बरती जाती है। भाई आप तो इतना बोल चुके थे, इसलिए बात बोलना चाहता था मैं, बस ये बोलना चाहता था कि मैं बहुत आभारी हूँ राजा फाउंडेशन का, कितना शोक की सिद्धार्थ निधि का, अशोक जी का, बाकी तमाम लोगों का। कारण ये है कि हिंदी साहित्य से कमोबेश नाटक को अलग कर दिया गया है, मान लिया गया है, और नाटक संबंधित चीजें उसमें नहीं, मैगजीन्स में आती है, पत्रिकाओं में आती है, संगोष्ठियों में होता है, तो न आलोचक को आलोचक माना जाता है, एक पीड़ा ये भी है। तो आपने नाटक को कम से कम जगह दिया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ये की बात है। बहुत देखिए धवल कीची की आपने बात की, मैं भी खड़ा हो गया। मैंने चार लाइन लिखी थी एक समारोह में, वो मैं सुनाना चाहूंगा कविता के रूप में। मेरा मन जैसा होता है हकीकत वैसी होती है, मैं खुद में शुद्ध हूं जितना इबादत वैसी होती है। मेरा मन जैसा होता है हकीकत वैसी होती है, मैं खुद में शुद्ध हूं जितना इबादत वैसी होती है। बहुत घनघोर कलयुग है ये रोना पीट न छोड़ो, हमें दुनिया वो मिलती है ये आदत जैसी होती है। हाँ, कलयुग तो हमें वैसे ही मिला हुआ है जैसा हमने चाहा, क्या करें बेचारा कलयुग भी क्या करे। हाँ, एक चीज मुझे लगी कि जब हम अपने क्लासिक्स पे बात कर रहे हैं तो इसमें मीर गालिब या नजीर क्यों नहीं थे, या मीर गालिब या नजीर इस पूरे कार्यक्रम में, मतलब ये जो पूरी परिकल्पना थी, हम क्लासिक्स पे बात कर रहे थे तो हमने मीर गालिब या नजीर को, क्या हम भी उसी से संचालित हो रहे हैं कि एक हिंदी है और एक दूसरी भाषा है, या हम जब उस तरह से आप कुछ कह नहीं रहे हैं तो मैं ही आपके ऊपर एक तो हाँ कोई कह रहा था हाँ हाँ अशोक जी, सभी सम्मानित साथी, मुझे दो दिन से जो यहाँ पे आप सबों के बीच में बैठने का मौका मिला, मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी घटना है शहर के लिए और देश के लिए, जो क्लासिक्स पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपने मौका दिया आपकी संस्थान में, ये अद्भुत और अवसर था जहाँ अपने पुरखों को जानने का, टटोलने का हमने कोशिश की। दरअसल ये जो क्लासिक्स हैं वो ऐसे पेड़ की तरह है, जो हमारी संस्कृति है वो किसी ने कहा भी कि वो बड़े संयम से, धैर्य से इसको देखने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है, बहुत जल्दबाजी करने की शायद आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा पेड़ है जो जिसके पत्ते झड़ते रहते हैं, तो जो क्लासिक्स हैं वो पहले के पत्ते हैं, उसको उस नजरिए से देखने की आवश्यकता है शायद, और जो हम अभी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो दूसरे किस्म के पत्ते हैं, वो समय दूसरा है और जड़ें उसकी वही हैं, उसके संस्कार वही हैं। हमें अपने पुरखों को उस नजरिए से, उस सम्मान से, उस आत्मीयता से देखने की आवश्यकता है, और जो आपने ये अद्भुत अवसर दिया समझने का, देखने का, चर्चा करने का,
मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मित्रों और को तो नहीं, ये आप में से कुछ लोग जो पहले भी आए हैं जानते हैं कि पहले हमने पहले समारोह में ऐसे विषय रखे थे जिन पर आम तौर पर आजकल बातचीत नहीं होती, साहित्य समाज सामाजिक यथार्थ इत्यादि इत्यादि, इससे ऊब चुके हैं हम लोग। लेकिन वही विषय रखे जाते हैं हर जगह, तो हमने कल्पना स्मृति इत्यादि इत्यादि विषय रखे थे। फिर दूसरे समारोह में हमने कुछ आधुनिक कालजयी कृतियां रखी थी, और अब इस तीसरे में हम कुछ और पीछे गए। अब इरादे आगे के दो हैं, एक तो जो अच्युतानंद जी ने अभी इशारा किया, मुझे याद है कि अली सरदार जाफरी को जब ज्ञानपीठ सम्मान मिला था तो भारतीय ज्ञानपीठ ने गालिब पर एक आयोजन किया था जिसमें एक सत्र में नामवर सिंह, वागी शुक्ल और मैं गालिब पर तीन वक्ता थे, और उसकी अध्यक्षता अली सरदार जाफरी ही कर रहे थे। अली सरदार जाफरी से पिछली शाम मैं और शहरयार झगड़ा कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञानपीठ के स्वीकृति भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी नाम के खराब कवि की कविता कोट की थी और कमल के महत्व पर दो पैराग्राफ पढ़े थे, तो हम लोगों ने उनसे जाके उनकी बहुत मजम्मत की थी। लेकिन अली सरदार जाफरी ने उस अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमको ये मानना चाहिए और उर्दू वालों को ये मानने में दिक्कत है कि गालिब को देखने की एक हिंदी नजर भी है। तो मित्रों, हम ये चाहते हैं कि आगे के दो समारोह, एक तो हम कुछ संस्कृत के टेक्स्ट भी पढ़ें, मतलब अब हम भूल भी गए हैं, और तत्सम को लेकर कुछ ऐसा संकोच पैदा हो गया है, जबकि संस्कृत एक महान भाषा रही है और उस महान भाषा में महान निर्भयता भी रही और महान वैभव भी रहा है, तो उस पर भी एक बार फिर से विचार किया जाए। हम कुछ मदद देंगे मित्रों की कि कौन से वो टेक्स्ट हो सकते हैं जिनको हम पढ़ें और जिन पर फिर बात करें। और एक समारोह हमारी जो दूसरी परंपरा है, एक अर्थ में कि हम मीर अमीर खुसरो, मीर गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, फैज़, इकबाल, ये जो हमारी ही मतलब हिंदी प्रदेश की ही सहोदर भाषा है, उस पर फिर विचार करें। अगर ये समारोह फिर भी चलता रहा, कौन जाने कब आपकी रुचि, युवाओं की रुचि बहुत देर तक नहीं ठहरती है दुर्भाग्य से, वो दूसरा कोई ना कोई प्रलोभन आ जाएगा, अगर विचारधारा का नहीं आया तो किसी और चीज़ का आ जाएगा। बाजार ने भी थोड़ा थोड़ा प्रलोभित करना शुरू कर दिया है, टेक्नोलॉजी का बहुत, और ये सब मामले। देखिए, दो बातें क्लासिक्स के बारे में कही गई हैं, एक तो इटालो काल्विनो ने कही थी, किसी ने शायद इसका उल्लेख भी किया था, इटालो काल्विनो ने कहा कि क्लासिक वो पुस्तकें हैं जिनका सब लोग नाम लेते हैं और कोई नहीं पढ़ता। उन्होंने क्लासिक की एक परिभाषा ही ये दी थी कि सब लोग नाम लेते हैं, कालिदास फलाना ये वो, वेद व्यास, जैसे हम दो एक एक पूरा समारोह महाभारत पर करना चाहते क्यों हम इन ग्रंथों को स्वायत्त करने की अपनी जो सृजनात्मक बौद्धिक शक्ति है वो किसी के द्वारा अपहृत किए जाने पर सहमत हो जाए। हम कैसे महाभारत को देखते हैं, हम कैसे रामायण को देखते हैं, क्योंकि इनको देखने वाले बहुत, असल में जिनको ससुरों को कुछ पता नहीं, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, जिनको
कुछ अकल नहीं, वो इनको स्वायत्त किए घूम रहे हैं और हम दूर बिलबिला रहे हैं कि हाँ हम तो, हमारे हाथ से महाभारत भी गया, हमारे हाथ से रामायण भी गई, अब बचा क्या। तो ये हम ऐसी योजना बना रहे हैं। इस योजना के पीछे तीन उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि युवा लोगों को वर्ष में एक बार कहीं मिलने का एक अवसर जुटाया जाए, लेकिन वो एक वार्षिक पिकनिक नहीं होना चाहिए, मतलब मिले जुले गप लगाएं वगैरह वगैरह, लेकिन वार्षिक पिकनिक नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर युवाओं को अपने जीवन क्रम में बहुत अधिक पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो थोड़ा अवसर इस बहाने मजबूरन बनाया जाए। और तीसरा जो कि एक तरह की दुष्ट इच्छा है कि देखें हमारे युवा क्या कर गुजरते हैं, या खामुखा ही इतना मतलब पौरुष दिखाते हैं और हैं बिल्कुल पिच। तो ये लेकिन दुष्ट इच्छा है। तो मुख्य इच्छा तो ये दो है, और इस इच्छा के प्रति का के का मूल कारण ये है कि सैयद हैदर रजा और कृष्णा सोबती, जिनके समर्थन से हम ये आयोजन करते हैं, उन दोनों की इस मामले में बहुत गहरी रुचि थी कि युवाओं के लिए हम कुछ। एक दो मित्रों ने पूछा कि युवाओं में आपकी दिलचस्पी यकायक कैसे जाग गई। तो मैंने सोचा कि ये भी एक विस्मरण का युग है, तो खुद ही कुछ आत्मरत भाव से आपको बताना चाहिए कि ऐसा पहली नहीं हो रहा है। मैं जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुआ, ठीक उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ ने मुझसे कहा कि हम आपका पहला कविता संग्रह छापने को तैयार हैं। अब हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अरे, हमने 1.5 बरस लगाए जिसमें मुख्य काम लगभग 150 कविताओं को खारिज करना था, और वो कविताएं छप चुकी थी, वसुधा, कल्पना, युग चेतना, ज्ञानोदय इत्यादि इत्यादि, सुप्रभात, ऐसी कोई पत्रिका ही नहीं थी, राष्ट्रवाणी, आजकल, जिसमें हम लोग उस समय छपते ना हो, वो सब हमने खारिज कर दी कि बकवास है, छोड़ो इनको। कुल 56 कविताएं रखी, वो संग्रह तो छप कर आ गया जिस दिन मेरा विवाह हुआ, उसकी पहली 3 प्रतियां आई थी। लेकिन मुझे ये चिंता सताना शुरू हुई कि भाई हमारी पीढ़ी के बहुत सारे युवा कवि हैं, उनका संग्रह तो छपा नहीं और कोई छापेगा नहीं, तो कुछ तो करना चाहिए। ठीक उसी समय इलाहाबाद में रविंद्र कालिया ने एक प्रेस खरीदा, इलाहाबाद प्रेस, कोई किसी के पास था, उनसे उठ खरीद लिया। तो हमारे दोस्त थे तो हमने उनसे कहा, यार एक हम पत्रिका निकालना चाहते हैं और थोड़ी अलग किस्म की निकालना चाहते हैं। तो कहा कि अगर तुम लागत पर छापने को तैयार हो, अब हमारी तनख्वाह कितनी थी, 900 रुपये, तो उससे हम 2000 रुपये तुमको दे दिया करेंगे, तो वो राजी हो गए। तो हमने एक पहचान नाम की पत्रिका निकाली जो 1970 में उसका पहला अंक और चौथा और अंतिम अंक 1974 में निकला। ये सार्वजनिक धन से प्रकाशित की गई पत्रिका नहीं थी, ये मेरे अपने पैसे से प्रकाशित पत्रिका थी। उसमें हमने 15 युवा कवियों के सबसे पहले कविता संग्रह छापे, जिनमें विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, जितेंद्र कुमार, कमलेश, विष्णु नागर इत्यादि इत्यादि, ऐसे 15 कवि थे। तो ये पहली बार नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने भारत भवन में जब कृष्णमल देव वैद वहाँ निराला सृजन पीठ पर थे तो ये सोचा कि युवा लेखकों के लिए कुछ करना चाहिए। तब हमने एक युवा लेखक शिविर करने की शुरुआत की। वैद साहब ने ये तय किया कि वो कई भाषाओं के लोगों को बुलाना चाहेंगे पूरे, तो पहली बार हिंदी अंचल में, जहां तक मैं जानता हूं, और अगर मैं नहीं जानता तो आप नहीं जान सकते, मतलब बीच बीच में ऐसी दंभोक्ति करना चाहिए क्योंकि आजकल दर्पोक्ति का जमाना है,
सिवाय इसके कि मैं हाथ उठा के नहीं करता हूं। तो उस समय सारी भारतीय भाषाओं से हम 5 लेखक चुनते थे, उन भाषाओं के वरिष्ठ लेखकों को चिट्ठी लिखकर, उनसे अधिकांश कुछ ना कुछ हमारी मित्रता या परिचय था, हम नाम मांगते थे कि आप कम से कम 2 कवि, 2 कथाकार और 1 आलोचक का नाम सुझाएं। और तो कुछ नाम जो सभी लोग भेजते थे तो हम उनको फिर बुलाते थे। तो ऐसे 150 युवा लेखक लगभग 2.5 या 3 वर्ष में भारत भवन में आए थे। इनमें से अधिकांश का एक दूसरे से पहली बार परिचय भारत भवन में हुआ था। उस भारत भवन की आपने बहुत निंदा सुनी होगी और उचित ही सुनी होगी, क्योंकि प्रशंसा तो आप अपनी ही सुनते हैं, दूसरों की कहाँ सुनते हैं। तो बहर हाँ अच्छा खैर वो तो ऐसी बहुत लंबी कहानी है। तो युवाओं में मेरी दिलचस्पी काफी पुरानी है, उसको एक बड़ा भारी आधार मिल गया संस्थागत और वित्तीय, जब हमारे 2 बड़े मित्रों ने युवाओं के लिए कुछ करने के लिए मुझ पर जिम्मेदारी एक तरह से सौंपी। मैं उस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की इस समारोह के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। जैसा मैंने, अब सब लोग नहीं थे संभवतः उस समय, तो मैं अब कहना चाहता हूं कि हमारा इरादा एक व्यापक युवा लेखक बिरादरी बनाने का है, जिसमें तरह तरह के, और कोई संगठन बनाने का नहीं है, एक बिरादरी बनाने का है कि एक दूसरे को लोग जाने। कुछ नए लोगों से शायद इस बार आपका परिचय हुआ होगा, मेरा तो हर बार कुछ नए लोगों से परिचय हो जाता है, ऐसे लोग जिनका सब, और मैं बिना किसी यानी नाम कैसे चुनता हूँ ये एक रहस्य है, वो मेरे लिए भी रहस्य है, आपके लिए तो होगा ही कि आप आखिर क्यों चुने गए। कुछ लोग तो हैं जिनको मालूम है कि वो तो चुने ही जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो चकित होते हैं, क्योंकि मैं पढ़ पढ़ के सोचता हूं कि अच्छा ये इसको हमने नहीं बुलाया, अब ये कैसे पता किया जाए कि इसकी ससुरे की उम्र क्या है, क्योंकि ये युवा है कि नहीं है। पहली बार इसी पर विवाद हुआ कि हमने ऐसे लोगों को बुला लिया था जो हमारे निंदक मित्र हैं, उनके अनुसार वो युवा नहीं कहे जा सकते थे। तो उस समय तो मैंने फिर एक दरपोक्ति की थी कि युवा वो है जिसको हम युवा मानते हैं, भाड़ में दो उम्र उम्र से इसका क्या ताल्लुक है। तो बहरहाल फिर बाद में मैंने सोचा भाई इसका भी कुछ निदान निकालना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी एक बिरादरी बनती चले, आप अपने वैचारिक दृष्टियों को अपने साथ रखें, और मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, उनसे झगड़ना होगा तो मैं सार्वजनिक रूप से झगड़ूंगा, लेकिन निजी तौर पर मुझे किसी वैचारिक निष्ठा पर कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय सांप्रदायिक धर्मांध जातिवादी दृष्टियों के, इनसे कोई हमारा संबंध नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था, रजा फाउंडेशन न तो किसी सरकार से कोई मदद लेता है और न किसी कॉरपोरेट संस्थान से, देने वाले मिल जाएंगे लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम जो कुछ करेंगे अपने साधनों से करेंगे, अच्छा बुरा जैसे। और आपको अगर कोई असुविधा हुई हो, खाना ना मिला हो मान लीजिए, नमक ना हो उसमें, या रोटी कचरी रह गई हो इत्यादि इत्यादि, तो क्षमा। बाकी आप से फिर मैंने कहा था कि हमने जो प्रकाश वृत्ति शुरू की थी दिवंगत प्रकाश की स्मृति में, उसकी 4 पुस्तकें, उसको हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं महना मत के, यानी मुश्किल तमाम जिसको कहते हैं, उसमें 4 पुस्तकें इस बार निकली हैं। उसमें हम किसी भी युवा लेखक की पहली पुस्तक, चाहे एक कम से कम 1 आलोचना की और 4 कविताओं की छापेंगे। तो आप में से किसी की अगर ऐसी पुस्तक न प्रकाशित हो और आप चाहें कि हम उस पर एक नज़र डालें तो ज़रूर भेजिए, लेकिन डाक से भेजिए, PDF वगैरह न भेजिए, वो हमारे बस का नहीं है कि हम वो PDF पढ़ते चले, और फिर हमारी एक पैनल तय करेगी। इसके अलावा
अगर आपको इस समारोह के रूप में कोई परिवर्तन चाहिए, इसमें आपको लगे कि ये नहीं, ये होना चाहिए या इसको यों करना चाहिए, तो जरूर लिखिए। ज्यादातर लोग लिखते नहीं हैं संकोच में कि पुराना मान जाए, बुला रहे हैं बुलाना ना बंद करते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे हम यहाँ कुम्हण बतिया कोई ना ही, तो इसलिए ऐसा भय नहीं पालिए। अगर आपको लगे कि नहीं इसको यूँ करना चाहिए, क्यों करिए वैसा करिए, तो वो सुझाव भी जरूर भेजें, निसंकोच भेजें। चाय है क्या? अब नहीं मिल रही, पाँच मिनट और लगाता हूँ फिर। तो एक बात और मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र यहाँ आए हुए हैं कुमार प्रशांत, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के मित्र हैं, और ये गांधी का 150वां वर्ष है। मैं अभी इलाहाबाद में था परसों, तो वहां मैंने गांधी स्वप्न और विचार पर एक व्याख्यान दिया, यानी करीब 45 एक घंटे की बकबक की। तो मुझे ये लगता है कि हम में से अधिकांश अब गांधी को भूल चुके हैं। इस पीढ़ी के लिए गांधी का क्या अर्थ है? मैं जब 7 बरस का था तब गांधी की हत्या हुई थी, और मैं आपको वो प्रसंग बताना चाहता हूं कि कैसे क्या हुआ था। हम एक छोटे शहर में रहते थे, सागर में हमारा एक मोहल्ला था गोपालगंज, और वो ज्यादातर अफसरों, बाबुओं, अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों, इनका मोहल्ला था, अधिकांश मध्यवर्गीय मोहल्ला था। जब ये खबर आई कि गांधी जी की हत्या हो गई है, तो उस मोहल्ले में किसी घर में चूल्हा नहीं जला, और बच्चों के लिए एक हलवाई ने कुछ पूरियां और सब्जी तल के घर घर बांटी। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी, मुझे तो क्या पता था कि महात्मा गांधी कौन है, कि हर घर में मृत्यु हुई थी, ऐसा ऐसा वातावरण था। अगले दिन, उन दिनों हमारे यहाँ तो बिजली भी नहीं थी, एक नायब तहसीलदार थे और हमारे पारिवारिक मित्र थे, उनके घर में एक रेडियो था, और आपको याद होगा कि उस समय तो सारे रेडियो खड़खड़ाते थे, तो उसमें आवाज कम आती थी, खड़खड़ाहट ज्यादा आती थी। तो अगले दिन आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा था, तो हम लोग चूंकि उनके पारिवारिक सदस्य थे, तो हम लोग तो उनके ड्राइंग रूम में जहां बैठ गए, जहां वो रेडियो खड़खड़ा रहा था, और बाकी 250-300 लोग बाहर बैठे थे। तो आंखों देखा हाल सुनाने वाले लोग थे, एक नाम था नंद किशोर मित्तल या ऐसा कुछ नाम था, और एक थे मेलविल डिमेलो, जो अंग्रेजी में और एक हिंदी में। तो उनका हाल सुनाते सुनाते गला रुंध जाता था, तो हम लोग रोने लगते थे क्योंकि हम लोगों पर उसका असर होता था। हमारे रोने की आवाज एक लहर की तरह बाहर जाती थी, तो बाहर जो 250-300 लोग थे वो भी रोने लगते। मैंने ऐसा जिंदगी में कभी देखा नहीं था, मेरी 7 बरस की उम्र, कि पूरा मोहल्ला और बिना सुने, उसको पता भी नहीं कि क्या कहा जा रहा है, हम ही को मुश्किल से सुनाई दे रहा था। तो मित्रों, ये गांधी के 150वां वर्ष जो है, ये गांधी को फिर से सोचने समझने के वर्ष के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि अभी मुझे अब ये सूझ रहा है कि अगला समारोह तो हम अब गांधी पर करें, क्योंकि गांधी को पढ़ना भी बहुत, हमने उनकी कुछ पुस्तकें छापी हैं, कुछ अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद छापा है, उनकी जो प्रार्थना प्रवचन है, मैं उसका एक आपको उदाहरण देना चाहता। 7 दिन पहले, अपनी हत्या के 7 दिन पहले, गांधी ने उनका रास्ता मेरे रास्ते से अलग था, वो हिंसा के रास्ते पर थे, मैं अहिंसा के रास्ते पर रहा हूं, लेकिन उनकी देशभक्ति में कमी नहीं थी। मैं
ये भी बताना चाहता हूं कि उनकी आजाद हिंद फौज में सिर्फ बंगाली नहीं थे, सिर्फ हिंदू नहीं थे, उसमें मुसलमान, स्त्रियां, ईसाई, ये सब भी थे। रखना चाहिए कि सुभाष बाबू की जिंदगी से क्या सबक मिलता है। ये वो आदमी कह रहा है जो सुभाष बोस, जिसके आपको याद होगा कि नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में अंबेडकर को शामिल करने का दबाव गांधी जी ने डाला था, और संविधान सभा के वो प्रमुख हों और संविधान वो प्रमुख लिखे, ये बात भी गांधी जी की थी। तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि आज जब असहमति के प्रति ऐसी असहिष्णुता है, वो सरकार में है सो रही आए, सत्ता में है सो रही आए, हम सबके बीच भी वही है। आखिर इसी असहिष्णुता का तो उबार ये सत्ता है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हम 150वें वर्ष में अब क्या करें। तो मेरा सुझाव ये है, गांधी ने अपने सारे मूल ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ अपनी भाषा में लिखे थे, गुजराती में, हिंदू स्वराज गुजराती में, आत्मकथा गुजराती में। हालांकि मैं सोच रहा था कि अगर कोई आज ऐसी आत्मकथा लिखे कोई राजपुरुष, तो उसका शीर्षक होगा असत्य के प्रयोग। जैसे हमारा आत्मवाक्य ही हो गया है, आत्मवाक्य ही हो गया असत्य में वो जयते, क्योंकि असत्य ही जीत रहा है। इस समय बहुत जरूरी है कि हम हिंद स्वराज के नए संस्करण आए, गांधी की आत्मकथा का मूल गुजराती से एक नया अंग्रेजी अनुवाद भी आया है जो पेंगुइन ने छापा है, और गांधी पर एक अद्भुत जीवनी आई है, अंग्रेजी में आई है, ईयर्स द चेंज द वर्ल्ड, अरे क्या, रामचंद्र गुहा। ये पुस्तकें भी पढ़ें, मतलब एक नया साहित्य में भी एक नए सत्याग्रह की शुरुआत होनी चाहिए। भले हमको सुनने वाले, हमको पढ़ने वाले, हमारा साथ देने वाले कम हैं, पर फिर मैं याद दिलाऊं कि गांधी एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो अकेले पढ़ने से घबराते नहीं थे। वो कई बार अकेले पढ़े, वो असहयोग आंदोलन में हिंसा हो जाने पर जब उन्होंने वापस ले लिया तब अकेले पढ़े, जब बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने बंटवारे को स्वीकार कर लिया, तब गांधी अकेले पड़े, जब उन्होंने नैतिक दबाव डाला सरकार पर कि बंटवारे के बाद आपने जो 55 करोड़ या कितने रुपए पाकिस्तान को देने से आप मुकर नहीं सकते, तब वो अकेले पड़े, और जब उनकी हत्या हुई तो भी वो अकेले ही थे। इस अकेलेपन से कम लेखकों को तो नहीं घबराना चाहिए, हमको ये इसमें नहीं आना चाहिए कि हमारे कितने क्या बोलते हैं लाइक्स, कितने क्या बोलते हैं ट्विट्स, जो भी वर्ड, तो उसकी शब्दावली भी नहीं आती। बहरा अब चाय बन गई है।